हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हमें पता है और आपको ये पता है, ये हमारी सीरीज़ चल रही है 1500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब जो हमारे पिछले साल क्वेश्चंस आए हैं उसकी ये सीरीज़ है, जिसमें हम ऑल टाइप के एग्ज़ाम्स कवर कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले इसमें जो है हमारे क्वेश्चंस जो आने वाले हैं 2019, 20, 21 एंड 22, सिर्फ हम 4 ईयर के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और एग्ज़ाम्स हम कवर कर रहे हैं। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एफकेट हो गया, सीडी हो गया, एनडी हो गया, स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हो गए, पुलिस, बैंकिंग, ऑल टाइप के एग्ज़ाम्स हम कवर कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आपका बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा है। तो चलिए, ज़्यादा समय को इधर वेस्ट ना करते हुए और ज़्यादा चीज़ें ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो उसमें हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस नंबर 7। हमारा एक प्रैक्टिस सेट, जैसे कि आपको पता है, 50 क्वेश्चंस के होते हैं और हम फटाफट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। और अभी हम प्रैक्टिस नंबर 7 पे आ चुके हैं, जिसमें हम ऑलमोस्ट 300 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं हूँ हर्षिता, आपके लिए लेकर आ रही हूँ 1500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विच डिसिप्लिन इन द विधान चंद्र रॉय अवार्ड गिवन, किस चीज़ में ये अवार्ड दिया जाता है, लॉ में, आर्किटेक्चर में, स्पोर्ट्स में या फिर मेडिसिन में। तो विधान चंद्र रॉय अवार्ड वॉज गिवन इन टू स्पोर्ट्स, कहाँ पे दिया जाता है, स्पोर्ट्स में दिया जाता है ये अवार्ड। ओके, केलुनचरण मोहपात्रा वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ डांस, ये कौन सी कैटेगरी के डांस में आता है, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर ओडिशी। तो ये कहाँ पे आता है, कहाँ आएगा, ये आपका ओडिशी में आएगा। और जो हमारा इसके पहले वाला क्वेश्चन था और ये वाला जो क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अनएक्सटोम्ड अर्थ। तो इसके ऑप्शन क्या दिया है, अरुंधति रॉय, अनीता नायर, झुम्पा लहरी या शोभा दे। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था और इसके ऑथर का नेम है अनीता नायर। विच ऑफ द फॉलोइंग नवल एक्सरसाइज इज हेल्ड एवरी 6 मंथ, कहाँ कब किया जाता है, एवरी 6 मंथ में, संकल्प में, प्रस्थान में, मित्र शक्ति में या मलाबार में। तो इस और ये क्वेश्चन हमारा एफके 2020 में पूछा गया है और इसका सही आंसर है प्रस्थान में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द कुलारू लेक लोकेटेड कहाँ पे है, ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है, मध्य प्रदेश, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, केरला। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडिया, लियाकत अली खान, सी डी देशमुख, आर के सनमुखाम छेत्री जी और के सी निगोय जी। इसका करेक्ट आंसर है आर के सनमुखाम छेत्री जी। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज एसोसिएटेड विद द डांस ड्रामा फोक थिएटर यक्षगंगा,
ये क्वेश्चन हमारा कब पूछा गया है? एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 में ऑप्शन ए कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड केरला, एंड द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका, कर्नाटका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज्वालागुट्टा इज एन इंडियन प्रोफेशनल प्लेयर, कौन है इसके प्रोफेशनल प्लेयर, कहाँ के सॉरी किसके हैं प्रोफेशनल प्लेयर? एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 में आए थे। ज्वालागुट्टा इज एन इंडियन प्रोफेशनल प्लेयर, तो ये कहाँ किस चीज के नेशनल प्लेयर है, इंडियन प्रोफेशनल प्लेयर है? ये क्वेश्चन हमारे एसएससी कांस्टेबल जीडी में पूछा गया है और इसका ऑप्शन है फुटबॉल, टेबल टेनिस, टेनिस या बैडमिंटन। तो ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं। 7 मीटर हाई स्कल्पचर नोन एज सदा शिवा रिप्रेजेंटिंग 3 एस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड शिवा इज फाउंड इन दैट डैश कैफे केव। ये सदा शिवा जो एक 7 मीटर हाई स्कल्पचर है, हाई मूर्ति है 7 मीटर की, वहाँ पे हमारे 3 एस्पेक्ट ऑफ 3 वर्जन्स ऑफ शिवा पाए जाते हैं। और ये कहाँ पे है तो बताएंगे, खांडगिरी में, उदयगिरी में, भीमबेटका में या फिर एलिफेंटा में। और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया है और इसका करेक्ट आंसर है उदयगिरी। कहाँ पे? उदयगिरी में ये है 7 मीटर हाइट। द रिवर इंडस लाइज ऑन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो क्या कहते हैं जो रिवर इंडस है हमारी, वहाँ पे एक ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ पे है? नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड या साउथ साइड? और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया है एंड द करेक्ट आंसर क्या है? वेस्ट साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू द सन, सन गॉड एंड हिज वाइफ उषा? ये वो अभी बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ था, दिवाली के बाद ये मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है, जो भगवान सूरज, जो सूरज भगवान की पूजा होती है। और ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया है और वो ऑप्शन है छेलम, चित्रगुप्त पूजा, छठ पूजा या फिर बसंत पूजा। छठ पूजा जिसमें ये एक बात की जाए अगर अपन इस पूजा के बारे में डिटेल्स में जाते हैं तो ये पूजा एक ऐसी होती है जो बिहार के लोग जो होते हैं वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके साथ साथ यहाँ एक ये ऐसी पहली पूजा है कि डूबते हुए सूरज की और उगते हुए सूरज दोनों की ही पूजा की जाती है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है सूरज एंड उसकी उनकी वाइफ जो उषा है उनकी भी पूजा होती है। कबीर शंक्रमाना इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका? एंड द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। और ये क्वेश्चन भी हमारा एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विल यू फाइंड कुंचिकल फॉल्स, कुंचिकल फॉल्स कहाँ पे है? केरला में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में या फिर कर्नाटका में? एंड द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका, एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया था। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज अ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स रेजिंग डे सेलिब्रेटेड एनुअली? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स रेजिंग डे कब सेलिब्रेट किया गया है?
23rd को, 6th को, 23rd अक्टूबर, 6th मार्च, 21st सितंबर या फिर 19 जनवरी। ये क्वेश्चन भी हमारा एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है एंड द करेक्ट आंसर इज 19 जनवरी। What was the name of the first artificial satellite launches by India in 1975? तो कब है, चरखा, पन्नी, सुस्त या फिर आर्यभट्ट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आर्यभट्ट। ओके, सिद्धांत योगी अडोयन ऑफ द डैश डांस फॉर्म वॉज लॉडेड एज आदि आदि गुरु। ये क्वेश्चन भी हमारा एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया था। कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर कथक? एंड द करेक्ट आंसर इज कुचिपुड़ी। द लेजिम डांस फॉर्म पेसिकुलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? लेजिम मतलब महाराष्ट्र, है ना, इसके आगे अपन को महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, बिहार। एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हमारा महाराष्ट्र है। 18th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासिस थ्रू द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया? फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, झेलम या फिर नन ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज झेलम है, सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। कलहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? साउथ अफ्रीका, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चील, इंडिया या साउथ अरेबिया? एंड द करेक्ट आंसर इज साउथ अफ्रीका। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरस आर करेक्टली मैच्ड? इसमें आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहेगा, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? मैच्ड अभी तक इनकरेक्ट कर रहा था, तो इस बार भी इनकरेक्ट मत लगा दीजिएगा, करेक्टली पूछ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या है, एटेकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका। एटेकामा डेजर्ट कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। कलहारी डेजर्ट अफ्रीका में। एंड पेटागोनिया डेजर्ट अर्जेंटीना में। एफकेट 2021 का क्वेश्चन है और इसमें से ऑप्शन पूछ रहा है, वन एंड टू ओनली, वन एंड थ्री ओनली, वन टू एंड थ्री या फिर टू ओनली? करेक्ट क्या है, वन टू एंड थ्री। एटेकामा डेजर्ट साउथ अफ्रीका में है, कलहारी डेजर्ट अफ्रीका में है, पेटागोनियन डेजर्ट अर्जेंटीना में है। ओके, एज ऑफ अक्टूबर 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? इसमें से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नहीं है? एलिफेंटा कैफ गेव्स, हवा महल, आगरा फोर्ट या फिर सन टेंपल? इसमें से कौन सा नहीं है? और इसका करेक्ट आंसर होने वाला है हवा महल, एलिफेंटा कैफ से एलोरा, ठीक है। फिर आगरा फोर्ट भी है, सन टेंपल कोणार्क है, पर हवा महल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजर्ट इन इंडिया? इसमें से कौन सा डेजर्ट इंडिया में नहीं है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये क्वेश्चन है एंड इसका ऑप्शन क्या है, स्पीति वैली और कोल डेजर्ट, द थार डेजर्ट, इंडस वैली डेजर्ट या फिर रन ऑफ कच्छ? इंडस वैली डेजर्ट यहाँ पे नहीं है। द लॉन्गेस्ट कैनल इन द वर्ल्ड इज
अभी एनटीपीसी 2021 का बीजिंग हैंगजोन कैनल, ग्रैंड कैनल, एरे कैनल, सलतरश यमुना लिंक कैनल, इंदिरा गांधी कैनल, सबसे बड़ा ये हमारा बीजिंग का हैंगजोन ग्रैंड कैनल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब सेलिब्रेटेड द भगोरिया फेस्टिवल? भगोरिया फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये क्वेश्चन है, और ऑप्शन है अगरिया, बायगा, गोंड या भील। तो ये भील है और करेक्ट आंसर। विथ विच डांस फॉर्म विथ विच डांस फॉर्म इज द नोटेड डांसर गुरु राजकुमार सिंह अजीत सिंह एसोसिएटेड? कथकली, कथक, ओडिशी या फिर मणिपुरी? ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 का था, करेक्ट आंसर मणिपुर है। फॉन्डली कॉल्ड द हरियाणा हरिकेन, हरियाणा हरिकेन मेड हिज टेस्ट डेब्यूट इन द ईयर 1978। कपिल देव, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर या रवि शास्त्री? कपिल देव इसका करेक्ट आंसर है। ये भी एसएससी सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडियन बॉर्डर विथ अफगानिस्तान? अफगानिस्तान का और इंडिया में कितने क्या बॉर्डर जो है, इसका क्या किलोमीटर्स है? एसएससी सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है 106, 575, 601 या फिर 755, एंड द करेक्ट आंसर इज 106 किलोमीटर का है। बिरहोहर डांस इज अ ट्राइबल फोक डांस फ्रॉम कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर झारखंड? करेक्ट आंसर क्या है? झारखंड। ओरिजिनली हेलिसॉक इज अ ग्रुप डांस ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात या फिर राजस्थान? एंड द करेक्ट आंसर इज गुजरात। Sagol Kanjeim, an indigenous game of Manipur is similar to the modern day sports of boxing, hockey, cricket या फिर polo? SSC CPO 2020 का question है, and the correct answer is polo. Bali Yatra literally meaning journey to Bali. Journey to Bali is a festival especially celebrated with great pomp in Cuttack, Vellore, Gurugram या फिर Kochi? और ये कहाँ का है? Cuttack में मनाया जाता है, जो SSC CPO 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। Who is the first Indian to be awarded the Nobel Prize in Physics? नोबल प्राइज फिजिक्स में किसको मिला था? फर्स्ट इंडियन कौन है जिनको नोबल प्राइज मिला था किस चीज में? फिजिक्स में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वेंकट रमन रामाकृष्णा, हरगोविंद खुराना, चंद्रशेखर वेंकट रमन एंड द करेक्ट आंसर इज चंद्रशेखर वेंकट रमन। शकेवा इज अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द किरट कंबू राय कम्युनिटी ऑफ मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर सिक्किम? करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। SSC CPO 2020 का ये क्वेश्चन है।
डैश इज अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लिंबू कम्युनिटी ऑफ सिक्किम। लिंबू कम्युनिटी ऑफ सिक्किम का ऑप्शन क्या है? छापबुरुंग, जेरमसिली, नौमती या फिर चुटके। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 ने पूछा गया है एंड द करेक्ट आंसर इज छापबुरुंग। भगलीहर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? भगलीगर डैम जो है वो कहाँ पे कंस्ट्रक्टेड है? चेनब नदी में, रवि में, सतलज में या इंडस में? चेनब में। डैश इज द फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट टू द एयरपोर्ट और टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। ऑप्शन क्या क्या दिया है? लेंगुपाई, पाक्यूंग, बैगडोगरा इंटरनेशनल या फिर पारो। एंड द करेक्ट आंसर इज पाक्यूंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फ्रॉम कर्नाटका? डांस फॉर्म फ्रॉम कर्नाटका कहाँ का है? रॉफ है? नहीं, वो जम्मू कश्मीर का है। कर्मा, लावा या फिर बायलता। एंड द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका है तो भाई बायलता ही होगा। प्रियोर टू सेप्टेम्बर 2018 वॉज द सोल स्टेट इन इंडिया विदाउट अ फंक्शन एयरपोर्ट। विदाउट अ फंक्शन एयरपोर्ट। एंड द करेक्ट ऑप्शंस आर मिजोरम, आसाम, नागालैंड या सिक्किम। एंड द करेक्ट आंसर इज सिक्किम। द फेमस द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ गुजरात इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? द्वारकाधीश जो है हमारा फेमस नदी, इसका कहाँ कौन सी नदी के पास है? नर्मदा, तप्ती, गोमती या लूनी? करेक्ट आंसर है गोमती नदी पे। विच कलर साड़ी एम्ब्लिश्ड विथ ब्राइट गोल्डन बॉर्डर इन वॉर्न बाय द डांसर ऑफ मोहिनी अट्टम? मोहिनी अट्टम में ये पहना जाता है साड़ी, तो डीप रेड और या फिर रेड, सी ब्लू या फिर ब्लू, पैड ग्रीन या फिर ग्रीन, वाइट या फिर ऑफ वाइट। एंड द करेक्ट आंसर इज वाइट और ऑफ वाइट। वाइट पे गोल्डन बॉर्डर। इन विच स्टेट इज संभार द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया लोकेटेड? महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान? एंड द करेक्ट आंसर इज डी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 42। इन विच स्टेट इज अ मुद्रा पावर प्लांट लोकेटेड? मुद्रा पावर प्लांट लोकेटेड गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर ओडिशा? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया था एंड करेक्ट आंसर इज ओडिशा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, उत्तर प्रदेश में कहाँ? करेक्ट ऑप्शन है एक, ऑप्शन से दुधवा, देचीगाम, वन विहार या हेमिस। एंड द करेक्ट आंसर इज दुधवा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज पॉपुलरली नोन एज दक्षिण गंगा? पॉपुलर इन दक्षिण गंगा। एंड द करेक्ट आंसर इज गोदावरी। ऑप्शन क्या क्या था? Which of the following activities by Benjamin Franklin led him to gain a better understanding of lightning and eventually to the invention of the lightning rod? Flying a kite, practicing on a piano, swimming in a river, riding a horse. SSC CGL 2019 का ये question है and the option correct is
फ्लाइंग अ काइट, अर्थकुनल अर्थुकल फीस अर्थुकनल फीस्ट एंड वेंदुकल फेस्टिवल आर चर्च फेस्टिवल फ्रॉम द स्टेट ऑफ चर्च फेस्टिवल फ्रॉम द स्टेट ऑफ नागालैंड गोवा सिक्किम एंड केरला एंड द करेक्ट आंसर इज गोवा. ट्रांस हिमालय रिवर आर सतलज इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस सतलज ब्रह्मपुत्र इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा. एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल 2019 एंड द करेक्ट आंसर इज ब्रह्मपुत्र इंडस सतलज. कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र इंडस सतलज. द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज अरल सी, अरल सी, कैप्सिकन सी, बाइकल या डेड सी. तो बाइकल इज द डीपेस्ट सी लेक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड कौन सा है? लोनर मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कुलेरो आंध्र प्रदेश या पुलिकट केरला. तो कुलेरो आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर. वॉट इज द नेशनल एनिमल ऑफ बांग्लादेश? रॉयल बंगाल टाइगर, पाइथन, गोट या फिर बफेलो. एंड द करेक्ट आंसर इज रॉयल बंगाल टाइगर. एंड दिस सेशन दिस सीरीज दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहीं पे हमारा ख़त्म होता है. उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसी तरह हम आगे बढ़ते चलेंगे. तब तक के लिए फिर मिलेंगे. तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.